हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और मेरा नाम है अमित थपलियाल और मैं जो हूँ रुद्रप्रयाग के पिंगला पानी विलेज से ब्लॉग करता हूँ। तो दरअसल ये ब्लॉग बनाने का मोटिव कुछ और है, और सबसे पहले तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और अभी जो है मैं अपनी छत पर बैठा हुआ हूँ, खूबसूरत सी धूप लग चुकी है, और अभी ब्लॉग को बनाने का मोटिव आप इस क्लिप के पास समझिए। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। तो 4:15 हो चुके हैं और हम लोग सिरोली गांव में पहुंचे थे। और दरअसल हम लोग जो है अपनी बाइक को घुमा रहे थे, यानी वापस जाने के लिए, और हमने अचानक क्या देखा कि कूड़े में जो है हमारे देश का तिरंगा पड़ा हुआ है। और जैसे ही मैंने यहाँ नीचे देखा, यहाँ पे हमारे देश का तिरंगा कुछ तो ये देखो ऐसा फेंका हुआ, कूड़े में इतना प्यारा झंडा डाला हुआ है। और क्या हालत कर रखी है इसकी, तिरंगे की ऐसी इज्जत नहीं करनी चाहिए यार। ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहना कि कूड़े में तिरंगा डाल दिया। तो हम क्या करने वाले हैं, दरअसल हम इस तिरंगे को अब अपने साथ लेके जाएंगे और कोई ऐसी लोकेशन देखेंगे जहाँ पे ये इस तिरंगे को लगा सके और काफ़ी अच्छा लगे। तो दरअसल हुआ क्या कि हम लोग जो है वो अंशी माता के ट्रैक पे गए थे और गोपेश्वर में जो है होली मनाने के लिए गए थे। तो हमें जब हम अंशी माता से वापस आ रहे थे तो एक रास्ता था सिरोल गांव का, तो वहाँ पे हमें जो है कूड़े में तिरंगा पड़ा हुआ मिला। तो हमने जो है वो तिरंगा उठाया और उसके बाद जो है उसको अपने साथ घर ले आए। ऑब्वियस सी बात है, हम एक ब्लॉगर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है तो दिल से बुरा लगता है कि हमारे देश के झंडे की ऐसी बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए। और देश के झंडे को जो है बिल्कुल सही ढंग से, एकदम मतलब देश की शान है यार, इसको ऐसे आप कूड़े में थोड़ी ना फेंकोगे। तो हमने जो है वो झंडा उठाया, अपने साथ लेके आए और हमने उस पर ब्लॉग बनाया। तो ब्लॉग बनाया था मैंने और आशुतोष ने, तो आशुतोष ने वो ब्लॉग पहले डाल लिया था जिसको आप जानते होंगे नमस्ते पहाड़ के नाम से। तो जब हमने वो ब्लॉग बनाया उसके बाद आशुतोष ने वो ब्लॉग पब्लिश किया और मैंने वो ब्लॉग थोड़ा सा लेट पब्लिश किया, मतलब मैंने वो ब्लॉग अभी तक डाला नहीं था, लेकिन अब आपको ये ब्लॉग दिख गया होगा। तो सबसे पहले तो यार ये ब्लॉग देखने से पहले आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी लोग जो है इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करना यार, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चीज़ हुई और फिर जब हमने वो ब्लॉग डाला तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे अननोन आईडी से जो है रिक्वेस्ट आने लगी। जब मैंने रिक्वेस्ट में देखा तो हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि कोई बंदा हमको मैसेज करता है और बोलता है कि प्रॉपर कि भाई मतलब हमारे गांव का नाम हटा दे, अगर आपके गांव से मिला है तो हम आपके गांव का ही नाम बोलेंगे, जगह का नाम बोलेंगे ना, किस जगह किस गाँव से हमको ये तिरंगा मिला है। और तिरंगे की ऐसी इज्जत हम लोग मतलब कर ही नहीं सकते, और ये हमारी सोच से बहुत ही ज़्यादा परे है। उस बंदे ने जो है मुझे बहुत सारी धमकियाँ दी, मेरा एड्रेस निकाला, मुझे बोला कि तू आईटीआई करता है श्रीनगर से। हाँ भाई, मैं आईटीआई करता हूँ श्रीनगर से, और जो तू बोल रहा है कि मतलब मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, मतलब हम तुम्हें यूट्यूब बनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर हमारे गाँव की साइड आते हैं और हमारे गांव में अगर आपको तिरंगा ऐसा फेंका हुआ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आप भी हमारे गांव का नाम लेके प्रॉपर बोलेंगे कि इस गांव में हमें तिरंगा ऐसा फेंका हुआ मिला। भाई जब आप लोग बोल रहे हो कि हमारे गांव से 3, 4, 5, 6 फौजी जो है बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो भाई हम फौजियों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके लिए मतलब कुछ नहीं बोलते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्मी में हैं, तो भाई क्या हम उनकी इज्जत नहीं करते क्या, क्या वो लोग तिरंगे की इज्जत नहीं करते क्या? तो हमारे गांव की साइड आओगे कभी आपको ऐसे तिरंगे फेंके हुए नहीं मिलेंगे, और अगर आपको ऐसे तिरंगे फेंके हुए मिलते हैं तो आप प्रॉपर जो है हमारे गांव का नाम बोलेंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी वाली बात है कि तू आईटीआई में रहता है हम तुम्हें मार देंगे, मतलब ऐसी धमकियां सही नहीं लगती हैं। आपको प्रॉपर प्यार से बोलना चाहिए था और इस बात पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हाँ मतलब हमारे गाँव में हुआ है, आपको अपने गाँव से पूछना चाहिए था कि मतलब ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसने किया है। पहले तो आपके प्रधान को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी।
दूसरी बात यह है कि उसी गांव का एक अदर बंदा लाइव आता है और लाइव में बोलता है इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दो, हम इनको दिखा देंगे, ये हमारे गांव का नाम बदनाम कर रहे। भाई पूरा लाइव गया, वीडियो बनाई, चलो बनाई, ठीक है आपने अपने पक्ष में बोला, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भाई कम से कम ये तो बता दे उन लाइव वालों को कि किस बारे में बोला जा रहा है। भाई तू पूरा 2 मिनट 3 मिनट का व्लॉग बना रहा है, तू कुछ बता नहीं रहा कि किस बात पे बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे गांव से तिरंगा मिला है, हमने इस बात पे बोला है, हमने कोई अदर कोई गलत कुछ नहीं बोला। आप केस करने की बात करो, आप ये करने की बात करें, आप करो, खुला करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वो झंडा अभी भी है, मैं वो झंडा अपने पास लेके आया था और वो मेरे घर में है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। भाई आप झंडे की किस प्रकार से इज्जत कर रहे हो वो हमें दिख रहा है, और हमारा काम है वीडियो बनाना, हम अपने कल्चर, हम अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे कल्चर हैं, हम उसको सब लोगों के सामने ला रहे हैं कि भाई उत्तराखंड ऐसा है, हम उत्तराखंड की हर एक चीज़ बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपके गाँव में झंडा मिले, वो बोल रहा है बंदा कि प्रधान के पास आते, भाई हम तुम्हारे गाँव को जानते हैं, हमें तुम्हारे गाँव में कुछ पता है कौन है क्या है। और दूसरी बात यह है कि चलो एक झंडे को डालने की बात है कि भाई झंडा जो है आपके खेत के बगल में पड़ा हुआ है, एक कॉटेज जाने के रास्ते पे पड़ा हुआ है, तो क्या वहाँ से लोग अप डाउन नहीं जाते होंगे, क्या आप लोग वहाँ से आते जाते नहीं होंगे, आप लोगों ने देखा नहीं? अगर आप लोगों को इतनी केयर थी, इतनी इज्जत थी उस झंडे की, तो क्या आप लोगों ने देखा नहीं होगा वो झंडा? आप लोग उठाते, उसको प्रॉपर रखते, पूछते, आपने बहुत दिनों से देखा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक ही दिन से वहाँ पड़ा होगा या उसी टाइम डाला होगा। बंदा पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कोई वीडियो प्रूफ है? भाई जब हम गए तो झंडा वहाँ पे था, हमारे पास ये प्रूफ है और हमने उस पे वीडियो बनाई, हमारे पास ये प्रूफ है। बाकी आपको जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई तिरंगे की बात है, यहाँ पे इतना बड़ा इशू उठ चुका है, लेकिन अभी तो चलो छोटा ही इशू है, अगर इसके बाद आगे उठेगा तो प्रॉपर पता चलेगा कि क्या इशू उठा है और क्या दिक्कत हुई है। और हम भी चाहते हैं कि जिस गाँव में ऐसे तिरंगे की इज्जत नहीं होती, वहाँ के लिए इशू चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि तिरंगे की इज्जत किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से तिरंगे को रखा जाता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इसमें जो है किसी भी गांव के बारे में कोई भी हमारी दुर्भावना नहीं है, किसी भी गांव को हम बदनाम करना नहीं चाहते हैं जैसे उस बंदे ने बोला, लेकिन हम जो है खाली ये बताना चाहते हैं ब्लॉग के माध्यम से कि वहाँ पर ये हुआ, और आपको ऐसे धमकी किसी को प्रॉपर नहीं देनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे गाँव में मिलता तो मैं प्रॉपर बोलता कि भाई ये हो गया और हमारी गलती है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते, उसके बाद जो है आपसे वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करते और बोलते कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे धमकी दे दो। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, जय उत्तराखंड, जय भारत, और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में बहुत जल्द।